भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया फर्स्ट ओडीआई का घातक विस्फोटक मुकाबला, जहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रीलंका के गेंदबाजों के उड़ाकर रख दिए परखच्चे। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच जैसा कि 3 T20 मैचों की सीरीज खेली गई, जहां पर हमारे भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाजों ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की और भारतीय टीम ने तीनों की तीनों मैचों की T20 सीरीज अपने नाम कर ली। अब भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच जो है ओडीआई का मुकाबला खेला जाने वाला है, जहां पर पहले ओडीआई यानी कि मुकाबले में भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव रिंकू सिंह तो वहीं रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जिया उड़ा करके रख दी। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच फर्स्ट ओडीआई के मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यहां पर श्रीलंका की टीम काफी ज्यादा खुश हुई, शायद उन्हें लगा कि हम गेंदबाजी करके भारतीय टीम को 100 या 150 रनों पर ढेर कर देंगे। लेकिन भारतीय टीम के तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और टीम इंडिया की रेडिकेडी विराट कोहली ओपनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए कूद पड़े। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 कवर ड्राइव चौके और एक आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया, श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। तो वहीं तूफानी विस्फोटक अंदाज में दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर लगातार एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का हार्दिक पांड्या ने बल्कि टीम इंडिया की रेडिकेडी विराट कोहली ने ठोक दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। श्रीलंका के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान थे। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रेडिकेडी विराट कोहली ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो कर रहे थे, लेकिन यहां पर चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर मैच 18 रन ठोक करके विराट कोहली कैच आउट का सामना कर बैठे। अब विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर विकेट कीपर यहां पर बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। जी हां, काफी तूफानी खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मैदान पर कदम रखा और चौके से शुरुआत की। ऋषभ पंत ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 8 रन ठोक दिए। वहीं ऋषभ पंत ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर काफी बेहतरीन तरीके से रोहित शर्मा का साथ दिया, लेकिन रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरसा रही थी। श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान रोहित शर्मा को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को दूसरा काफी बड़ा झटका लगा जब तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आप सभी को बता दें ऋषभ पंत आउट हो गए। ऋषभ पंत काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 7वें ओवर की 4थी बॉल पर 21 रन ठोक करके ऋषभ पंत जब आउट हुए तो मैदान पर सनसनी छा गई। हालांकि फिर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसका नाम था ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। काफी तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज है। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर कदम रखते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। हार्दिक पांड्या ने 8वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा, लेकिन भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका जब लगा जब 9वें ओवर की 4थी बॉल पर टीम इंडिया की शान घातक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव नहीं बल्कि यहां पर रोहित शर्मा यहां पर जो है 58 रन ठोक करके आउट हो गए। रोहित शर्मा जब आउट हुए तो मैदान पर सूर्य कुमार यादव का तूफान देखने को मिला। सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के गेंदबाजों को इस कदर धो दिया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। जिस तरीके से T20 सीरीज में यहां पर सूर्यकुमार यादव ने आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, वैसे ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी ओडीआई मुकाबले यानी कि वनडे मुकाबले में पहले ओडीआई मुकाबले में की। सूर्यकुमार यादव ने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि 5 छक्के और एक कवर ड्राइव की ओर चौका ठोक दिया। सूर्यकुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथा झटका भारतीय टीम को जब लगा जब 12वें ओवर की 6थी बॉल पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज 34 रन ठोक करके हार्दिक पांड्या आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया, जिसका नाम था रिंकू सिंह, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह ने आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को इसका दर्द होया कि वो 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर कहर बरसा दिया और श्रीलंका के गेंदबाजों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर की 6 गेंदों पर मैदान पर उतरते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं बल्कि 6 छक्के ठोक दिए। युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और यहां पर कोच राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर खड़े होकर अपना पसीना पोंछने लगे। सूर्यकुमार यादव एक ऐसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बन गया, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह बन गया। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, पहले ही T20 मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, तो वहीं पर फर्स्ट ओडीआई मुकाबले में घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। रिंकू सिंह को आउट करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। काफी घातक विस्फोटक आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देकर हर
किसी के पसीने छूट गए। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए काफी बेहतरीन तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीलंका के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से काफी ज्यादा परेशान थे। 19वें ओवर की 6 गेंदों पर रिंकू सिंह ने 5 छक्के और 1 चौका फिर ठोक दिया। तो वही तूफानी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के ठोक दिए और यहां पर रिंकू सिंह ने 148 तो वही तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 98 रनों की नाबाद पर खेल डाली और श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक शेरों ने श्रीलंका की टीम के सामने 348 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। अब 349 रन ठोकने के लिए श्रीलंका की टीम जब मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में एक विकेट चटका दिया और श्रीलंका के घातक विस्फोटक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। फिर हर्षदीप सिंह दूसरा ओवर लेकर के आए। हर्षदीप सिंह ने दूसरे ओवर में तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन दिए। तीसरा ओवर लेकर के आए बुम बुम बुमराह। जी हां, काफी यॉर्कर के बादशाह कहे जाने वाले विश्व के नंबर एक बल्लेबाज बुमराह ने सिर्फ 2 रन दिए। तूफानी विस्फोटक खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए मैदान पर कहर बसा रखा था। तो वही जसप्रीत बुमराह ने 5वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट चटका दिया। तो वही रवि बिश्नोई को भी मौका मिला। रवि बिश्नोई ने ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए यहां पर 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 विकेट चटका दिए। लेकिन यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज दो श्रीलंका के ऐसे थे जो मैदान पर काफी आक्रमण और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे बोमना 50-50 भी पूरा कर चुके थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि यहां पर श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत ले जाएगी, लेकिन कुलदीप यादव की तूफानी विस्फोटक कटीली गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक उनको टिकने नहीं दिया और 16वें ओवर की 6 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पहला ओडीआई का मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर। धन्यवाद।